इलेक्ट्रिसिटी ने आज हमें फ्यूचरिस्टिक थिंग्स बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। क्या हो अगर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से जनरेट नहीं हो पाए, यह सच हो सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल कोल क्राइसिस की वजह से कोल प्राइस 40% तक बढ़ गए हैं और आज हम जाने अनजाने में कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कोल इम्पोर्टर और फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्वायर है। इंडिया एनुअली 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल मतलब कोयले से जनरेट करता है। ऐसे में कंक्लूजन साफ है, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी ही नहीं निकला गया तो हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सो एंडिंग में यही कहना चाहता हूँ, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को अननेसेसरी वेस्ट होने से बचाएं, और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।